हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं सोनू डेलू स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स में वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी जो सीरीज चल रही है प्रमोशन 40, उसी के अंतर्गत क्लास सिक्स में हम वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के 17 वर्ल्ड इंपॉर्टेंट वर्ल्ड आपके सामने लेकर आया हूँ, एक एक का अध्ययन करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो को देखना, उसके बाद ही क्लास सिक्स को देखना, क्योंकि आपने यदि पिछली वीडियो को नहीं देखा हुआ तो आप अपना बहुत ही गलत कर रही हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पिछली वीडियो को देखना, फिर यही वीडियो को देखना, और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए ना तो लाइक भी और शेयर भी कर देना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स करना मत भूलना, क्योंकि आपका रिवीजन होगा, कमेंट बॉक्स में हमारा कुछ नहीं जाता। यदि आप कमेंट बॉक्स में ये मीनिंग लिखोगे तो आपका रिवीजन होगा। मैं वास्तव में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर अपनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही ज़्यादा ये इंग्लिश वर्ल्ड आपको याद होंगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारी वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्लास चल रही है वो सुबह होगी। आपको यदि ये कुछ अच्छा लगा हुआ हो, यदि आपके मन में सही तरीके से क्या हाल कर दिया यो शब्द उठे नहीं तो लाइक कर दियो, नहीं रहने दियो भैया। ठीक है, क्योंकि आपकी जो शाम को क्लास होती है उसमें दिनेश सर ले लेते हैं आपकी क्लास, कमल सर ले लेते हैं, और अजय सर भी उनकी क्लास लेते हैं। कमल सर अपनी दो क्लास लेंगे, रीजनिंग और मैथ की। तो भाई सारे दौड़ को दौड़ो जैसे हम, मैं वो सोचो भाई सवेरे लगा दें क्लास। ठीक है, तो आपकी क्लास सुबह होगी। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ल्ड क्या है? पहला वर्ल्ड है एसाइन। एसाइन, एसाइन मतलब सौंपना। याद कैसे करें? बाकी YouTube पर बहुत सारी वीडियो है, लेकिन याद करना है तो स्टडी पॉइंट आरसी चैनल पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर साथ साथ में याद करना भी आपको सिखाया जाता है। एसाइन देखो, ये कर दिया साइन पकड़, एसाइन ये कर दिया साइन पकड़, मतलब सौंपना। ठीक है, याद हो गया, गुड। तो एसाइन का मतलब क्या होता है? नियत करना या सौंपना, कि मैं साइन कर दिया हूं ऊपर, सौंप दियो, पक्को हो गयो यो, तने तू ले जा, कि अम ना कतना लाई कौन सके, तू ले जा, नियत हो गयो तू रे। ठीक है, नियत करना या सौंपना, साइन याद रखियो। ठीक है, याद हो गयो। अगलो एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब क्या होता है? सहयोगी। एसोसिएट गदा थारो सहयोग कौन करे के, अरे वो यो वर्ड वर्ड है एस, एस मानी गदो, और एसोसिएट ला दियो आगे तो के बन गयो सहयोगी। ठीक है, समझ गया नहीं? एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी, हेल्पर, आप इसको हेल्पर भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे बात समझे। अगला वर्ड है एस्यू पैशन, मेरा पैशन की है कार्यभार ग्रहण कर लियो, मैं मेरा पैशन हो कि मेरा जॉब लागो और अब मैं कार्यभार ग्रहण कर लियो, मतलब कार्यभार ग्रहण करना मतलब एस्यू पैशन, कोई दिक्कत नो दिक्कत, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अटैचमेंट, एंगेजमेंट तो सारा मेरा है, क्यों है ये अटैचमेंट है? आप किसी को ईमेल करते हो तो उसके साथ अपना फोटो या साइन को अटैचमेंट मतलब संलग्न करना, लोकल लैंग्वेज में आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है संलग्न। ये सारा मेरा कि अटैचमेंट हुआ है कि जोड़ती यार ऐसे की, लेकिन लोकल लैंग्वेज में जो वर्ड आएगा, माफी का फिराकर वर्ड आएगा, तो अटैचमेंट आपको याद करना होगा। अटैचमेंट का मतलब होता है संलग्नक, संलग्नक। ठीक है, अगला अटैच्ड, अटैच मतलब स्थगित कर देना। आगे सरकार दियो, कोरोना कारण बहुत ही अटैच होया, क्यों होया? स्थगित कर दियो, आगे सरकार दिया एग्जाम में, आगे सरकार दियो मतलब अटैच मतलब स्थगित करना, अटैच मतलब स्थगित करना। ठीक है, ऑडिट, ऑडिट क्या होता है? लेखा परीक्षा, ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा। लोकल लैंग्वेज में इस वर्ड को ध्यान रखना, लेखा परीक्षा, आप लेख आओगे। ठीक है, आपन ध्यान दे दियो, ऐसे ऐसे पेपर। ठीक है, कि बाजगी से चिप हुआ, अरे लेखा परीक्षा लोकल लैंग्वेज में इतना ऑप्शन में दे रखे है, इजी पेपर लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ध्यान सुन लो, लेखा परीक्षा अपन दे रखे और इजी पेपर ध्यान दे दियो, चप देनी 100% गारंटी दूं यार, इजी पेपर ही चिप है ऑप्शन, न्यू कौन पेपर वाला ऑडिट नहीं दे रखे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑडिट का मतलब लेखा परीक्षा। ठीक है, अवेलेबल, अवेलेबल मतलब उपलब्ध। ठीक है, अवेलेबल मतलब उपलब्ध, कि मेरे पास यह चीज है, उपलब्ध है। ठीक है, अवॉइड, टालना, अच्छा मना कर दियो, अवॉइड मतलब मना करना, फॉरबिड, फॉरबिड मना करना। ठीक है, अवॉइड का मतलब होता है टालना या मना कर देना, नाको हो नहीं यार, अवॉइड हो नहीं यार। ठीक, अवॉइड का मतलब होता है टालना। अवार्ड, अवार्ड होता है पुरस्कार, ठीक है, या प्रदान करना, अवार्ड होता है पुरस्कार।
या प्रदान करना, ठीक है। अवेयरनेस, ये बहुत जरूरी वर्ड है, जागरूकता, लोकल लैंग्वेज में ध्यान रखना, जागरूकता। अवेयरनेस क्या होता है? जागरूकता। अगला 11th नंबर है, ध्यान देखियो, पांच पार्ट है, पांच पार्ट की है। बाई प्लस इलेक्शन लाग जा बन के का, बाई प्लस फोर्स लाग जा बन के का, बाई प्लस हैंड के का, बाई प्लस लो के का, बाई प्लस पोस्ट के का, सारा इंपॉर्टेंट है। हम की है इंग्लिश लैंग्वेज में थाने कभी कौन पूछे, लोकल लैंग्वेज जरा पूछा गो, पक्को पूछा गो। अगलो थाने ऑप्शन में दे दू, ऑप्शन आउन के है, अगलो ऊप सब इलेक्शन कर देगो। अरे अच्छा तेरे जी जी जाने बाई प्लस इलेक्शन कौन पटेड हो गए, इतना तो कोनी में बोला जगह ते बनाओ, माने पढ़ा मैं ही या पढ़ा ते ही हो, लेकिन अंतर है भाई सब पढ़ने। तो इसमें बाई प्लस इलेक्शन का मतलब होता है उपचुनाव, ध्यान सुन लो, सब इलेक्शन ऑप्शन में मिलेगा थाने, ज्यादा प्रायोरिटी बाई प्लस इलेक्शन नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब बाई प्लस फोर्स दे दे, बाई फोर्स, बाई फोर्स बल पूर्वक, बाई फोर्स, फोर्स मानी बल, बाई मानी पूर्वक, बल पूर्वक मतलब बल पूर्वक, ठीक है। बाई प्लस हैंड, आता हूँ भाई रिपिया दे यार, तू भूल क्यों कर गयो, भाई हैंड दिया यार मैं, तेने भूल क्यों गयो, अरे भाई तेना कौन कौन याद करवाऊँ यार, याद करवाऊँ, ठीक है। जितना तुम हंसोगे मेरी बातों पर उतना ही आपको पर गहरा असर होगा इन मीनिंग का, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। बाई हैंड मतलब आता हूँ, मेरा हाथ में दिया, बाई लो उपविधि। तो यहाँ पर एक बात तो आपके समझ में आ जाती आ गई होगी, बाई का मतलब यहाँ पर क्या है, उपविधि, उप उपनाम, ठीक है। उप बाई लो मतलब उपविधि या उप कानून, ठीक है। बाई पोस्ट, जो इन लेटर आओ बाई पोस्ट आओ डाक से, ठीक है। बंगाल के गड़बड़ हो रही है, अरे बंगला में क्या गड़बड़ हो रही है, रोड़ो क्या मात्र है, याद कर लियो, नहीं बंगला याद करियो, गड़बड़ बंगला में रोड़ो क्या मात्र है, क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है, याद हो गयो। अगलो वर्ल्ड, अगलो वर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड छपेगा, अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र छपेगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अधिकारी तंत्र, राजतंत्र, याद हो गयो। बिजनेस तो सारा नहीं बेरो है, कार्य हो, बिजनेस फोर्स, कार्य समय, ऐसा ऐसा वर्ड होगा। बाई बैक, बाई खरीदना, बैक वापस, वापस खरीद, कितना रुपया में हो, 120 है ना, मैं 100 दूंगा अगली पे गयो, अगले कितना रुपया में है, 125 को 100 दूंगा अगली पे गयो, कितना रुपया में है, क्या यार 135 रुपया में है, लेना है 500 का दुकान पर गए, ले भाई 120 में दे दे, बाई बैक वापस खरीद, ठीक है, याद हो गया। ब्रीफ, ब्रीफ होता है संक्षिप्त, छोटा रूप, एब्रीवेट, एब्रीवेट, ठीक है, संक्षिप्त, छोटा रूप, छोटा रूप या सार, सार, ठीक है। अगला ब्रॉडकास्ट, प्रसारण, टीवी पर आपने प्रसारण तो देखा होगा, बजट पेश किया था वो भी आपने सीधा प्रसारण देखा होगा, मीडिया वाले कहते हैं, डीडी स्पोर्ट्स वाले कहते हैं सीधा प्रसारण, 7:30 PM सोनू डेलू क्लास क्लास, ठीक है, ये मैंने कह दिया। प्रसारण, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, प्रसारण, ठीक है। अब थाने ऐसे राइटिंग भी आओ नहीं, कमेंट करो आओगे को नहीं, आओगे नहीं बाकी नहीं, थाने ब्रॉडकास्ट को यूज करना पड़ जानी, तो ध्यान रखियो ब्रॉडकास्टेड कभी ना कर दियो, बेटा पास्ट में चलता चलता कास्टेड कर दे, अरे ब्रॉडकास्ट 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 तीनों एक ही फॉर्म है, ब्रॉडकास्ट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट ब्रॉडकास्ट, और फ्यूचर भी ब्रॉडकास्ट, एक ही चीज है ब्रॉडकास्ट प्रसारण, ठीक है। तो अंग आ गए, वाज लागे कभी ब्रॉडकास्टेड कर दियो थी, गलत हो जो देख लियो लाडलो नंबर कट जाएगा, ब्रॉडकास्ट ने कास्ट ही रहने दी, ठीक है। तो यू तो हो गया अपना इंग्लिश लैंग्वेज टू लोकल लैंग्वेज, एक बार लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज और पढ़ ले, याद ही हो जाए, एक दो वर्ड को नहीं होगा याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला वर्ड है नियत करना या सौंपना, ये लिया, ये करे साइन, यो ले तू ए साइन, ठीक है, ए साइन। अगला वर्ड है एसोसिएट, एसोसिएट मतलब सहयोगी, हेल्पर, सहयोगी मतलब हेल्पर, कार्य भार ग्रहण करना मतलब एसयू पेशन, ठीक है। संगलक, इंपॉर्टेंट वर्ड अटैचमेंट, ईमेल के साथ आप क्या करते हो, संगलक करते हो, ठीक है, याद रखना। अगला वर्ड स्थापित करना, अटैच्ड, अटैच्ड करती हो, स्थापित हो गए, ठीक है। ऑडिट, अगला वर्ड है लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट, इंपॉर्टेंट वर्ड लेखा परीक्षा, लोकल लैंग्वेज में पक्को देखो ऑडिट हो मतलब वो थे सही करो। उपलब्ध, अवेलेबल, टालना अवॉइड, ठीक है, फॉरबेड अवॉइड, प्रदान करना अवार्ड, प्रदान करना अवार्ड, जागरूकता अवेयरनेस। अगला वर्ड उपचुनाव, बाई इलेक्शन, बलपूर्वक बाई फोर्स, बाई हैंड अपने हाथों से, उपविधि बाई लॉ, डाक से बाई पोस्ट, गड़बड़ बंगल, बंगलम क्यों हुई, गड़बड़ हुई, अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी, शासन तंत्र, कार्य ग्रहण बिजनेस, सॉरी सॉरी कार्य समय
बिजनेस हॉर्स, ठीक है, बाय बैक वापस खरीद, वापस खरीद इंग्लिश की है, उल्टी है, देख बाई पहला यो नहीं लेकिन यो के लग रही लास्ट में लग रही है, तो इंग्लिश उल्टी है और उल्टो अपन कर दे यदि अपन ना पढ़िया तो, अपन तो पढ़ना अपन कौन कराए कर दे बाने, देख बाई शुरू मारे नहीं लेकिन उरे हिंदी में के लास्ट में, बैक लास्ट मारे शुरू में, ठीक है, तो वापस खरीद मतलब बाई बैक, या ना कर दियो बैक बाई ना, ठीक है, यो जो खरीद वापस, ठीक है, ध्यान रखना, संक्षिप्त ब्रीफ एब्रीवेट प्रसारण ब्रॉडकास्ट, तो ये हो गई हमारी क्लास सिक्स। यदि आपको क्लास पसंद आया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अभी जय हिंद लिख दो, यदि आपको क्लास पसंद आया हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो, मैं देख रहा हूं कौन कौन लिख रहा है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। अगली सेवंथ क्लास में हम ए लेटर से हमने कंप्लीट कर लिया, किसी को पता चला नहीं पता चला, मजाक मजाक में करे गया, ए लेटर खत्म हो गया, बी आर चालू हो गया, देख लो अब बी आर करा दूंगा चार पांच क्लास हम यहाँ करके ए टू जेड लेटर सारों ने बैठ दूंगा, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की चिंता ही मिटाई, ठीक है। तो ये हमारी क्लास नंबर सिक्स थी, यदि आपको क्लास पसंद आई हुई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी क्लास का आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आप अन्य कामों में बिजी है तो भी आपको पता चल जाए कि सेमेस्टर की क्लास आ गई है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ, जय हिंद जय भारत।